गढ़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के परमार प्रवीण भाई गणपत को प्रत्याशी बनाया गया है, आपको बता दें। लेकिन कांग्रेस यहां साइलेंट मोड पर नजर आ रही है। परमार प्रवीण ने कहा कि दूसरी पार्टियों की तरह कांग्रेस बड़ी रैलियां नहीं कर रही, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस का धीमा प्रचार पार्टी की चुनाव रणनीति का ही एक हिस्सा है। गुजरात में इस वक्त चुनाव का मौसम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलावा कुल 71 सियासी दल जो है वो मैदान में है, और कांग्रेस पार्टी इसी कोशिश में लगी हुई है कि लोगों का विश्वास जीतकर प्रदेश में सरकार बनाई जाए। इस वक्त हमारे साथ कड़ी से कांग्रेस के प्रत्याशी परमार प्रवीण भाई गणपत भाई मौजूद हैं। प्रवीण भाई, गुजरात में कांग्रेस पार्टी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। गुजरात में कांग्रेस मतदाताओं को रिझाने के लिए क्या कुछ कर रही है? देखो, पहले तो गुजरात में वैसे भी गुजरात में कांग्रेस तो थे, लेकिन एक भ्रामकता थी, लोगों को ऐसी भ्रामकता में लाए गए थे। 15 लाख की बात लाई थी, काला धन लाएंगे, सबको रोजगारी देंगे, किसानों को ये करेंगे, लेकिन 8 साल में लोगों को ऐसा माहौल में जो भ्रामकता था वो दूर हो गई, और उसके उल्टा क्या, जो अच्छे दिन आने वाले थे उसकी जगह बुरे दिन ला गए। सब लोगों को ऐसा है कि हमारे बुरे दिन भी चाहिए, लेकिन हमें जो कांग्रेस वाले दिन है वो लाने चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस का लक्ष्य गुजरात में बदलाव का माहौल लाना है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी करीब 3 दशकों से सत्ता में है। कांग्रेस को कितनी यहाँ पर जान लगानी पड़ रही है इस बार? और इस बार ना तो मोदी बनाम राहुल है, ना ही वंशवाद का मुद्दा हावी है। कांग्रेस पार्टी को गैर गांधी अध्यक्ष भी मिल चुका है, अब क्या माना जाए? क्या कांग्रेस पार्टी ने हाई पिच पर ना खेलकर दमदार खेल दिखाने के लिए, यानी मैच जीतने का जो असरदार प्लान तैयार किया है, ये जो प्लान है वो क्या है? देखो, वैसे तो प्लान में क्या है, यहाँ पे कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, यहाँ विचारधारा की लड़ाई है। रही बात हम जो परिवारवाद की, तो कांग्रेस में बहुत से बिन गांधी परिवार के लोग प्रमुख बने हुए, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे जो खड़गे जी है, बराबर, वो भी खड़गे जी एक शेड्यूल कास्ट से आते हैं। और रही बात यहाँ के गुजरात के लोगों की, तो गुजरात के लोगों को जो यहाँ के जो पीएम से, यहाँ के जो उनका होम टाउन है, उससे जो मिलना चाहिए वो भरोसा, वो भरोसा उन्होंने तोड़ा और लोगों को ऐसी मोघवारी में, दोजक में डाल दिया। तो सबको कांग्रेस पे पूरा भरोसा है, और बीजेपी की जो भ्रामकता है भारतीय जनता पार्टी की, उससे वो विफल गए और यानी कि दूर हो गए। लगातार आप जनसभाएं कर रहे हैं, कड़ी विधानसभा की बात करें तो जनता जनार्दन का कितना सपोर्ट मिल रहा है? वैसे जनता जनार्दन का सपोर्ट 100% मिल रहा है। सब लोग, पहले तो हम जैसे पहले ऐसा 5 साल पहले या 10 साल पहले ऐसा था कि हमको गांव-गांव घूमना पड़ता था, फिर भी हमारा जो यहाँ का मिलता था हमको लोगों से जो समर्थन, उससे अभी 2 गुना ज़्यादा मिल रहा है। लोग भ्रामकता से बाहर आ गए, मोघवारी से बहुत पीड़ित है, रोजगारी नहीं है, युवान घर हर घर ठोकरे खा रहे हैं काम के लिए। और रही बात किसानों की, किसान हर रोज दोजक में जी रहे हैं, सुसाइड हो रहे हैं, इसीलिए लोगों का इस बार पूरा समर्थन, जोरदार समर्थन है, और इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। लोग जो है वो भ्रामकता से दूर आ रहे हैं और इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, ये कहना है कड़ी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण परमार का। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ लकी जगबानी, ANB News, गुजरात।